भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। वो बॉक्सर रवि रामजी पांडेय ने कहा, कोरोना काल की इस विपत्ति में 24 घंटे खुले हैं मेरे दरवाजे। भदोही के लाल, भारत माँ की शान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रवि रामजी पांडेय ने अब कोरोना के सेकंड स्टेज के अटैक से लोगों को बचने का संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे एक बार अवश्य संपर्क करें। आपको बता दें कि रवि रामजी पांडेय इन दिनों महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और जरूरतमंदों और असहायों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भदोही जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों के लोग जिनके परिजनों को महाराष्ट्र पुणे में किसी भी तरह की समस्या हो, मुझे संपर्क कर मदद मांग सकते हैं। उनका कहना था कि हर इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक मन में यह ठान ले कि हमें दूसरों की मदद करनी ही है तो यकीन मानिए कोई भी असहाय नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण में यह सोच परम आवश्यक है। परोपकार करके ही हम भगवान राम के भक्त होने का दायित्व निभा सकते हैं। शाकाहार अपनाए, शरीर स्वस्थ बनाए। ज्ञात हो कि रवि रामजी पांडेय जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा अंतर्गत मूलतः ग्राम सभा भिडूरा के रहने वाले हैं तथा निवर्तमान प्रधान रामचंद्र पांडेय उर्फ मुन्ना के छोटे भाई हैं। उक्त अवसर पर शिवा तिवारी, विनोद कुमार दुबे, शिव शंकर तिवारी, अजय उपाध्याय, पंडित तिवारी, विधायक व अन्य उपस्थित रहे। महाराष्ट्र पुणे से सर्वेश पंडित की रिपोर्ट। येरोड़ा मानस मंडल के डॉक्टर भाई ग्रुप के सब कार्यकर्ता हैं और उत्तर भारत के मसीहा बक्सर भाई रवि रामजी पांडे जी जो जितने यहाँ पे लोग हैं, दुखी है, कोई किसी कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ भी किसी टाइप पे हेल्प अगर चाहिए तो मिल सकते हैं। और बक्सर भाई जो है श्री राम भक्त हैं, इनकी जो उससे नहीं हमारे मंडल से मिलिए, शिवा से, हाँ अजय से, यहाँ पे जो सबसे जज्जे से परिचय करवाता हूँ, बक्सर भाई रवि पांडे जी हैं, शिवा तिवारी भाई हैं, मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है, आप जे जे तिवारी, शिव शंकर तिवारी, जे जे तिवारी है ना, अजय उपाध्याय और पंडित तिवारी और पीछे विधायक हैं पांडे और दादा हैं पीछे, आम नागरिक हैं, मतलब भी जुड़े हैं तो जी कोई भी किसी टाइप का हेल्प हो जहाँ तक संभव हो सकेगा होगा तो निराश न होए, किसी टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। कोरोना काल जो फंसा हो, हाँ कोरोना काल में आर्थिक मदद किसी टाइप का हो, कुछ दुख दर्द हो तो बता सकता है। बस जय श्री राम। यरोड़ा मानस मंडल अगले साल भी कोरोना काल में हमारा मंडल खूब लोगों का मदद किया, हर उत्तर भारतीय हर लोगों को, उत्तर भारतीय भर नहीं हर तबके के लोग को सब मदद किया गया। हमारा मंडल हमेशा दुखियारों के साथ रहता है, हम लोग जो भी तकलीफ में रहता है हम लोग मदद करते हैं, हमारा मंडल मदद करता है और सारे जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग एक साथ मिल के मदद करते हैं। यही हम लोग उत्तर भारतीयों की एक संगठन है पुणे में, ये सबसे बड़ी बात है। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों। येरोड़ा मानस मंडल से मैं शिवशंकर तिवारी बोल रहा हूँ। आप सभी भाइयों से विनती है कि कोई भी नागरिक जैसे महाराष्ट्र का हो या कोई भी हो, आपको अगर परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो येरोड़ा मानस मंडल से आकर मिलिए, हम लोग सहयोग करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।